सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों हॉनर प्ले में रिसीव हो गया है 9.0 पाई का अपडेट। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है या आपको अब तक अपडेट नहीं मिला है तो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, क्योंकि दो तीन दिन पहले से ही रोल आउट होना शुरू हुआ है 9.0 पाई का अपडेट। तो अगर आप अपडेट करने से पहले एक बार इसका रिव्यू लेना चाहते हो कि ये अपडेट कैसा है, स्टेबल है या नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ 9.0 पाई अपडेट के बारे में जो कि आया है हॉनर प्ले में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने कर लिया है अपडेट, जो कि मुझे ये अपडेट रिसीव हुआ था कल शाम को। तो जो कि अपडेट की साइज थी 4.4 GB, इसके पहले भी जो ओरियो का अपडेट आया था वो भी 3.7 या 8 GB का लमसम था। तो ये अपडेट भी कुछ ज़्यादा बड़ी साइज की थी 4.4 GB की, लेकिन उसके बाद से जैसे मैंने अपडेट कर लिया तो आप जैसा कि देख सकते हो EMUI वर्जन 9.0.0 एंड्रॉयड वर्जन 9 चूँकि ये पाई का अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑफिशियल पाई स्टेबल अपडेट इसमें आ गया है। और उसके बाद से अब इसमें कुछ बड़े चेंजेस के बारे में बात करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको एक अलग से आप जियो अपडेट होकर ओपन हुआ तो इसमें आपको मिला एक कैमरा 360 जो कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें इसको ऐड कर दिया गया है। आप इसे चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ये ऐप मिलेगा इस अपडेट में। इसके बाद कुछ चेंजेस आपको कैमरा में देखने को मिलेंगे। कैमरा में आपको EIS जो पहले इसमें सपोर्टेबल था उसे हटा दिया गया है, और उसके बाद से यहाँ पे AR लेंस में काफ़ी जो कि आप देख सकते हो ये जो इमोजीज टाइप के होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मिल जाएगा, और उसके बाद से इफेक्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे AR लेंस में, तो ये ऐड किया गया है और EIS सिस्टम को हटा दिया गया है कैमरे में से। उसके बाद से सेटिंग के एनिमेशन में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो नोटिफिकेशन पैनल था, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा पाई का इसमें फील दिया गया है और ये काफ़ी पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। और उसके बाद से यहाँ पे वायरलेस प्रोजेक्शन का आप देख सकते हो ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे अगर आप YouTube पे पहले वीडियो प्ले करते थे तो आपको यहाँ पे जो नॉच था उस पर आपको वीडियो फुल नहीं चल पाता था, लेकिन अगर आप YouTube पे वीडियो प्ले करोगे तो आपका जो नॉच है उस हिसाब से वीडियो एडजस्ट होकर चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि जो कि अब फुल स्क्रीन मोड में वीडियो अच्छे से चलने लगा है, उसमें कोई कट नहीं हो रहा है। उसके बाद से बात करें तो इसमें GPU टर्बो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और पहले के मुकाबले जो कि ओरियो में था उससे मुकाबले काफ़ी बेटर है इसमें 9.0 में हुआ है। उसके बाद से जो फोल्डी सॉक है वो पबजी, बस मैंने पबजी में चेक किया, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हो काफ़ी इम्प्रूवमेंट और एनिमेशन में सबसे ज़्यादा इसमें चेंजेस तो आपको यहाँ पे गेस्चर में हुआ है, क्योंकि गेस्चर में जो पहले आपको यहाँ पे 8.0 में ही इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन 9.0 में उससे भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो आपको रिसेंट जो ऑप्शन था पहले ऐसा नहीं आता था, लेकिन इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी आसानी तरीके से आप यहाँ से रिसेंटली सारे रैम को क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको बैक करना है तो आप यहाँ से नॉर्मली काफ़ी अच्छे से स्मूथली, मतलब ये कहा जाए तो वर्क कर रहा है। और ऐसे अगर आप नॉर्मली डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आना चाहते हो तो आप ऐसे स्वाइप करके आ सकते हो। तो ये जो गेस्चर लगा वो मुझे जो रेडमी के लेटेस्ट जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें जो गेस्चर दिया गया उसके सिमिलर लगा, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा अगर आप किसी अपने दोस्त का नोट 5 प्रो या नोट 6 प्रो में फुल गेस्चर अगर इनेबल हो उसमें अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी बैक का ऑप्शन ऐसे ही मिलता है, और उसके बाद से अगर आप ऐसे स्वाइप करते हो तो डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पे आ जाते हो। तो ये लमसम सिमिलर है रेडमी के फ़ोन से, लेकिन इसमें भी ये गेस्चर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद से कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे नए ऐड मिलेंगे, मैंने पूरी तरीके से चेक तो नहीं किया लेकिन इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, और ये मैंने हाल ही फिलहाल में अपडेट किया, तो सोचा मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बना दूँ जो कि मेन रिव्यू हो। इसमें स्पेशली मैंने फोकस उसी चीज़ पर किया जो काफ़ी बड़े चेंजेस के रूप में आए हैं। तो जो लोग अभी तक अपडेट नहीं किए हैं और वो अपडेट करने से पहले एक रिव्यू लेना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि इसमें बैटरी इंप्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है। तो ये अपडेट देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी स्टेबल है, अगर आप इसे अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत चीज़ें मतलब आपको नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि पाई एक तरह से इसको लेट से दिया गया है लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ दिया गया है, स्टेबल वर्जन के साथ दिया गया है।
तो इस हिसाब से आप देखो तो ये अपडेट इस फोन के लिए काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले में आपको बहुत सारे अब ऑप्शन मिल जाएंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले साइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब तो ऑप्शन पहले से थे लेकिन पहले से इंप्रूव हो गए हैं। और उसके बाद से तो देखा जाए तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट एंड डिस्प्ले साइज और स्क्रीन रेजोल्यूशन और यहाँ पे सब काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मोड डिस्प्ले सेटिंग में आप आ जाओगे तो यहाँ पे स्मार्ट रोटेट नॉच ये सब आपको मिल जाएगा। ये पहले में था लेकिन इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ ये वर्क कर रहा है। आपको इसमें थोड़ा भी लैग या बग कोई आप फेस नहीं करोगे और उसके बाद से काफ़ी अच्छा है। और ये अपडेट स्टेबल भी है, अगर आप सोच रहे हो स्टेबल ये अपडेट करने के लिए तो आप आराम से इस अपडेट को कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी स्टेबल है। आप फील करोगे कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होनर ने इस अपडेट में इंप्रूवमेंट दिया है और स्टेबल अपडेट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 4D सॉक और GPU टर्बो काफ़ी इंप्रूव हो गया है पहले के मुकाबले और कैमरे में EIS सिस्टम को हटा दिया गया है। तो ये कुछ मेन इसमें जो पॉइंट थे इस अपडेट में मैंने वो बताया है आपको। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इस अपडेट को आप करते हो या नहीं करते हो। तो ये था छोटा सा रिव्यू Honor Play में रिसीव हुए 9.0 Pi के अपडेट का। जो लोग अभी तक नहीं किए वो कर सकते हैं और जो लोग को अभी रिसीव नहीं हुआ है उन्हें एक दो दिन में मिल जाएगा क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले रोल आउट होना शुरू हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा पसंद आई तो अपने Honor यूजर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।